दोस्तों, भारत के लोगों के लिए ज्वेलरी के लिए कितना प्रेम है ये बात किसी से छुपी नहीं है, और खास करके महिलाओं से। और जैसे जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए पसंद बनते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ज्वेलरी स्टॉक से जुड़े कुछ शेयर्स के बारे में गहराई से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस सेक्टर के बारे में जानते हैं। लग्जरी उत्पादों के लिए बढ़ती मांग के कारण ज्वेलरी सेक्टर महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है। भारत का ज्वेलरी बाजार ग्लोबल लेवल पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जो वित्त वर्ष 2023 के अनुसार दुनिया भर के ज्वेलरी मार्केट का 24.21% का हिस्सा रखता है। यह सेक्टर मुख्य रूप से सोने के आभूषणों द्वारा संचालित होता है या फिर ऑपरेट होता है, जो कुल रेवेन्यू का 77.72% कंट्रीब्यूट करता है। भारत सोने का पांचवा सबसे बड़ा आयातक है और दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार वाले देशों में से इसका नाम आता है। भारत का ज्वेलरी मार्केट 2024 से 2030 तक 5.7% के सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है, जो 2023 में $85.52 बिलियन से 2037 तक $100 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। 2023 में वैश्विक ज्वेलरी मार्केट का जो आकार है $224.39 बिलियन था, यह 2024 में $232.94 बिलियन से बढ़कर 2032 तक $343.90 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।